तो गाइज आज थोड़े से महंगी चीजों के दर्शन हो जाए, तो मेरे पास ये बड़ा सारा बॉक्स है जो कि एसुस की तरफ से, और हाँ मैं इसके पीछे से ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ अलग सा ही दिखने वाला बॉक्स है और ये एक्चुअली इनका नया लैपटॉप है। जैसे कि मैंने टाइटल पे लिखा था, ये स्पेस से आया है क्योंकि ये स्पेस एडिशन है। हाँ, जादू ने भेजा है। वैसे अनबॉक्सिंग करने नहीं वाला था, मैंने सोचा क्यों ना चीज़ें दिखा देता हूँ, बहुत मेहनत की है इन्होंने। तो बॉक्स को अगर मैं यहाँ से खोल लेता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये फ्रंट ही बड़ा अच्छा बना दिया, पूरी स्पेस वाली फीलिंग दे दी यहाँ पे। पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बना दिया जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। देन स्टीकर लगा हुआ था लैपटॉप के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पे उतार के रखा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस लैपटॉप के बारे में। कुछ खूबियां हैं जैसे कि ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 100% DCI P3 का कलर गैमट है, बहुत ही तगड़ा वाला HDR का सपोर्ट है, आई केयर मिल जाती है, TUV रेलेंट का सर्टिफाइड है, US स्पेस ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है। क्या कुछ नहीं है भाई, क्या कुछ बताऊं मैं तुम्हारे बारे में। यहाँ पर इसके अंदर से इतना ही नहीं, एक और बॉक्स निकला, मतलब बॉक्स के अंदर से बॉक्स था। ओ हो, काफ़ी भारी बॉक्स है और ये कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, और यहाँ से भी आपको स्पेस वाली पूरी फीलिंग आती है। इसके साथ ही मेरे को एक और बॉक्स मिल गया, मतलब बॉक्स ही खत्म नहीं हो रहे इनके। ये रहा बॉक्स और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बताया एक्चुअली इसको खोलना कैसे, और ये डब्बा एक्चुअली में लैपटॉप का स्टैंड भी बन सकता है, मतलब ये कुछ ऐसा डब्बा निकल कर आता है और इसके ऊपर भी स्पेस एडिशन लिखा हुआ है। खोल देते हैं तो इसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है, मैंने कहा ये क्या है, सिर्फ स्टैंड ही दे दिया इतना बड़ा। फिर मैंने चार्जर ढूंढा, चार्जर मिला नहीं, फिर मैंने सोचा इसके अंदर चार्जर होगा, तो हाँ चार्जर इसके अंदर से निकला। और गाइज ये 100 वॉट का चार्जर है। तो ये निकला इसका एक कैरी बैग जो कि अगेन स्पेस वाला ही है, टाइल के साथ। तो कुछ ऐसा बैग भेज दिया एकदम चमकता हुआ ज़ेनबुक वाला। सो यस, इस लैपटॉप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, एसुस ज़ेनबुक 14X OLED, और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और ये स्पेस एडिशन है। वो एक मिनट, लैपटॉप दिखाने से पहले यार इसको देखो, यहाँ पर भी स्पेस, लैपटॉप के ऊपर भी स्पेस है, पर मैं वो लैपटॉप आपको बाद में दिखाता हूँ, लैपटॉप के साथ कुछ और चीज़ें भी आएंगी। तो इस डब्बे को भी साइड पे थोड़ा सा रख के यहाँ पर मैं चीज़ें दिखाता हूँ। एक ये आया है चमचमाता हुआ, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, खोल के देख लेते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे कागजात हैं, प्रॉपर्टी इन्होंने मेरे नाम कर दिए। पहले तो स्टार्ट के क्विक गाइड है यहाँ पे, और ये भी कुछ स्पेस के बारे में लिखा हुआ है, और एक ये है, इसको फाड़ के कुछ होगा, क्या है ये, कुछ भी लिखा नहीं है। लेट्स चेक ये क्या है, इसको यहाँ से ऐसे अगर मैं फाड़ूंगा, इसको मैंने खोला तो इसके अंदर से एसुस इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल का एक कार्ड निकला है जो कि ये रहा, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे पैकिंग की है। तो इन्होंने बताया एक्चुअली 2 decades के पहले इनका एसुस का एक लैपटॉप जो है वो स्पेस में गया था, तो भी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं इसके साथ। अब बारी है लैपटॉप की, तो ये देखिए लैपटॉप, OMG, इट लुक्स सो डिफरेंट गाइज। यहाँ पे भी पूरा स्पेस वाला इन्होंने पकड़ लिया है, सोलर सिस्टम बना डाला है, और एक चीज़ देख रहे हो, ये लैपटॉप एक अलग डिस्प्ले के साथ आता है। Oh wait, are you a gamer? तो मेरे पास आप सबके लिए हैं 2 नए हेडसेट्स जो कि हैं गेमिंग वाले, और ये आते हैं एक्सा की तरफ से। ये है E900 Pro और ये है E900, यानी कि ये दोनों एक सीरीज के यहाँ पे हेडफोन सिग्नल कराते हैं, और एक प्रो मॉडल है, एक नॉर्मल मॉडल है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताना चाहूँगा, ये स्टीरियो हेडफोन्स है, ये 7.1 सराउंड के साथ आते हैं। दोनों में सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा E900 है वो है एक वायर्ड हेडफोन है, दोनों एक्चुअली वायर्ड है, बट इसके अंदर जो वायर है वो यहाँ पे डिटैचेबल नहीं है, माइक डिटैचेबल मिल जाता है, नॉइस रिडक्शन के साथ मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुशन्स काफ़ी अच्छे हैं, मेटल्स के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेटल एंड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर मैं E900 Pro के बारे में बात करूँ, डिटैचेबल वायर के साथ आता है, एंड यहाँ पे 2 वायर लगती है, 2 होल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक 7.1 सराउंड वाली यहाँ पे USB मिलती है, और यहां पर आपको साथ में नॉर्मल वाली केबल भी मिल जाती है, जो कि अगर आप चाहें तो उसको मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज, ये मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा क्योंकि इसके कुशन्स और भी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और जितना मैंने इसको यूज किया है आई लव्ड इट। बोथ ऑफ द हेडफोन्स कम विद 50mm के ड्राइवर्स, तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहां पर गेमिंग करते हुए बहुत मजा आएगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और इसमें सब कुछ बढ़िया है, डिटैचेबल माइक काफी अच्छा है। एंड एक चीज़ और, अगर आप मोबाइल के लिए ले रहे हो तो आई थिंक दिस E900 इज़ बेटर। अगर आप PC के लिए देख रहे हो तो 7.1 सराउंड साउंड, यहाँ पे FPS यानी कि BGMI जैसी गेम्स के लिए ये वाला हेडफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। तो अगर आप एक गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे थे तो आप इन दोनों में से चूज़ डेफिनेटली कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स ये निकल कर आते हैं, चाहे आप यहाँ पे गाने वाने भी सुन रहे हो तो आप इन्जॉय करेंगे। परचेज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए। बड़ा लाइट वेट है यार, मेटल के साथ बनाया गया है, टाइटेनियम कलर बड़ा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, और ये पीछे से भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने जैसे इसको ओपन किया तो मेरे को पीछे से मैंने देखा तो यहाँ पे डुअल स्पीकर्स मिल रहे हैं लेफ्ट एंड राइट पे, और जो मैंने यहाँ पर पढ़ा कि डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और ये चेसी काफ़ी अच्छे से बनाई गई है, हैवी नहीं है लैपटॉप बट काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लग रहा है मेरे को। चलो इसको खोलते हैं, थोड़ा सा देखें कैसा है।
ओके, तो ये खुल गया हमारा लैपटॉप। वो अंदर से जरा लुक देखो इसकी, कमाल। यहाँ पे भी टाइटेनियम कलर चल रहा है। कीबोर्ड के ऊपर दो कलर्स दिए हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक पावर बटन के लिए और एक यहाँ पे स्पेस बार के लिए। ट्रैकपैड अच्छा है यार, काफ़ी बड़ा है। और ये कुछ मैट ग्लास के साथ आ रहा है, ग्लास फिनिश के साथ, और इसके अंदर नम पैड भी है। तो इसके अंदर एलेक्सा दीदी भी है, क्या बात। और एक चीज बताऊं आपको, ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप देख पाओगे तो ये टच स्क्रीन के साथ आता है। वो तो जैसे ही लैपटॉप ऑन होता है तो यहाँ पर भी एकदम से स्पेस वाला वॉलपेपर लगा हुआ है, विच गिव्स मी थ्रिल्स। माय गॉड, दिस लैपटॉप लुक्स सो सेक्सी। और ये खोलते मुझे दिख गया कि ये विंडोज 11 के साथ आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जो कि मजेदार थिंग है। और यार यहाँ पे ना मैं कीबोर्ड देख रहा था, स्पेसिंग कितनी तगड़ी है यार। तो देखो ये डिजाइन से तो काफी फ्यूचरिस्टिक वाली यहाँ पे हमें फीलिंग आई गई, बट मैं आपको जब डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा ना, आप खुश हो जाओगे। ये 14 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, 2.8K के रेजोल्यूशन के साथ आता है, OLED के साथ आता है। बाकी मैंने HDR वगैरह वो तो आपको सब कुछ बता ही दिया था, बट जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लैपटॉप में 92% की STB जल्दी देखने को नहीं मिलती है। 0.2 ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ है, यानी कि टच तो बहुत ही मज़ेदार चलेगी और यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा चलने वाला है। सो इट्स अ टच लैपटॉप, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ भैया। और आपको कि यार तुमने करके नहीं दिखाया, ये देखो मैंने टच किया, ये विंडोज़ के बटन को, विंडोज़ खुल गई, ठीक है ना। और इसको आप यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 550 nits की ब्राइटनेस निकालता है, तो आप आउटडोर में भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे विजिबिलिटी मल जाएगी। राइट साइड के बारे में बात करूँ तो USB 3.2 Gen 2 है और यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, माइक्रो SD कार्ड है। लेफ्ट साइड पर बात करें तो HDMI का पूरा वाला पोर्ट मिल जाता है, 2 Thunderbolts भी देखने को मिल जाते हैं। यार यहाँ पे ना 150 डिग्री तक आप अपने लैपटॉप को खोल सकते हो, विच इज़ अ यूनिक थिंग, काफ़ी अच्छा आपको एंगल देखने को मिल जाएगा। और कीबोर्ड भी लिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। प्लस यहाँ पे ये अर्गो लिफ्ट के साथ आता है 5 डिग्री के, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। हार्डवेयर के बारे में बात कर लें तो इसमें i9 लगा हुआ है, वो भी 12th generation का, 12900H प्रोसेसर लगा है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। 14 कोर्स के साथ आता है, 20 थ्रेड्स लगे हुए हैं, 6 परफॉर्मेंस कोर है और यहाँ पे 8 efficiency कोर मिल जाते हैं, जिसके कारण की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। और जो आपको मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 5 GHz की है। PVP की बात करूं, जो प्रोसेसर बेस पावर है 45W की। थोड़ा स्टोरेज पर नजर डालें तो यहाँ पर 32GB की RAM देखने को मिली मेरे को, और यहाँ पर ये LPDDR5 है, 4800 MHz के ऊपर ये चलती। 1TB M.2 NVMe 4.0 SSD लगी हुई है, मजेदार है यार। मैंने जितना इसका चलाया ना, ये परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी तगड़ा है। मतलब एक बात करूंगा कि इसके अंदर जो ग्राफिक्स लगे हैं वो डेडिकेटेड नहीं है, इंटेल के RX Xe जो है वो मिल जाते हैं अंदर हमें इंटीग्रेटेड ही, बट यहाँ पे आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। इट्स नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, बट यहाँ पे GTA 5 और यहाँ पर अगर आप SC गेम्स Apex वगैरह खेलते हो तो आपको 60 FPS से ऊपर मिल जाता है कॉन्स्टेंटली, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और जितना अडोबी के बारे में बात करूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह अगर आप करते हो तो 4K की जो आप वीडियो बेसिक वाली है वो अराउंड 15-16 मिनट्स में जाती है, अगर आप 5-6 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो यहां पे ये कमाल एडिटिंग भी कर देता है और यहां पे गेमिंग भी अच्छी हो जाती है, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर। कीबोर्ड बैकलेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई डोंट नो आपको ऐसे देखने को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, बट इसमें बैकलेट है। और यहाँ पर जो आपका ये ट्रैक पैड है, इसको अगर मैं ऐसे दबा के रखूँगा ना, तो देखो आप नम पैड भी चल जाता है। और ये नम पैड भी जो है ना, ये एकदम से मतलब इसकी डिस्प्ले को हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है इसका ट्रैक पैड। 720p का वेबकैम है, विच हैज़ अ ओकेइश क्वालिटी, यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। और डुअल एरे यहाँ पे माइक्स मिल जाते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको करनी है वीडियो कॉल्स वगैरह तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही में एक चीज़ बोलूँ, इसमें इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक शटर भी है प्रीवेसी के लिए, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, फिंगरप्रिंट स्कैनर सिक्योरिटी के लिए। 63 Wh की यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और मैंने जितना इसको यूज़ किया है हैवीली, और ये 5-6 घंटा कंटिन्यूस चल जाता है आराम से। और हाँ, अगर आपके पास पावर बैंक है तो इसको आप चार्ज कर सकते हैं। एलेक्सा, टेल मी अ फनी जोक इन हिंदी। हाउ डू यू क्रॉस अ वन वे स्ट्रीट इन इंडिया? बाय लुकिंग बोथ साइड्स। मतलब कि वैसे हिंदी में बताना चाहिए था, पगली ने इंग्लिश में बताया। कह रही है सिंगल साइड पे चलने वाली भी रोड पे इंडिया में कैसे क्रॉस करते हैं, दोनों साइड देख के। इस पगली को पता नहीं है इंडिया में कहीं नहीं देखता, सीधा घुसेड़ दे देते हैं। सो गाइस, ये जो लैपटॉप है हमें पड़ता है 1,70,000 rupees का। आप कहोगे थोड़ा सा महंगा है, बट डेफिनेटली ये वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है, कमाल की हार्डवेयर मिल रही है, कमाल की डिस्प्ले मिल रही है मीडिया कंटेंट के लिए, और इसके स्पीकर्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। एलेक्सा बिल्ट इन है और अभी ऑन ना हो जाए, बट द थिंग इज ओवरऑल पैकेज मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने शाम में रखिए ख्याल, की स्माइल, ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।